विजयी प्रत्याशी रोया फूट फूट कर वार्ड नंबर 15 से विजयी निर्दलीय सहनवाज भावुक हो उठे। आपको बता दें कि रोने से लोग भी दुविधाग्रस्त हो गए, पर हुए विजयी आखिरकार। विजयी प्रत्याशी फूट फूट कर यहां पर हुए। आपको बता दें कि सहनवाज जो है वो यहां पर कुछ भावुक हो गए अपनी जीत के बाद। लोग हालांकि जो आसपास थे वो दुविधाग्रस्त हो गए और एक बार के लिए सोचा कि क्या परिणाम आखिर ऐसा रहा है कि वो इतना ज्यादा तेज रो रहे हैं फूट फूट के, लेकिन जो आंसू थे वो कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे और जीत उन्होंने दर्ज की है। तो विजयी होने के बाद में भावुक निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो नजर आए। तस्वीरें आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि आसपास के लोगों में भी कौतूहल का विषय एक बारगी के लिए जब हो गया। जब वो रोते रोते बाहर निकले, लोगों ने सोचा कि शायद जो चुनावी परिणाम है वो उनके हक में नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंसू थे वो ये बता गए कि खुशी के आंसू थे और इस प्रकार की जीत की उम्मीद कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी थे तो नहीं थी, लेकिन मेहनत यहाँ पर पूरी थी और विजयी हुए हैं। विजयी होने के बाद भावुक हुए और तस्वीरें फिलहाल जो सामने आ रही है। चलिए अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता सुनील सत्यवादी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, मतगणना के बाद में कई रोचक तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक तस्वीर सामने आई जहां निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो रो रो कर यहां पर गले लगते हुए अपने समर्थक के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आसपास के लोग उस वक्त कौतूहल में भी हो गए और उन लोगों में संशय हो गया कि किस प्रकार का नतीजा सामने आया, लेकिन खुशी के आंसू थे ये। जी जयती, जिस समय शहनवाज बाहर आया बहुत जोर जोर से रोते हुए आए, यानी विजय या पराजय पे आंसू आना भावुक होना सामान्य सी बात है, लेकिन जिस ढंग से वो इतने जोर जोर से रोते हुए बाहर आए सब एक बार डर गए, सस्ते में आ गए। जयती मैं कहना चाहूंगा शहनवाज ने बहुत टाइम से मेहनत की थी, वो निर्दलीय प्रत्याशी है, दोनों पार्टी को पराजित करते विजय हुए हैं और जिस ढंग से वो जोर जोर से रोए तो एक बार यहाँ सब सस्ते में आ गए और सबको ये लगा कि ये चुनाव हार गए हैं। वो बाद में बहुत देर बाद में पता लगा वो विजय हुए हैं और विजय होने के बाद जो भावुकता होती है उसकी वजह से उनके आंसू आए थे, वो जोर जोर से रोने लग गए थे। लोगों ने पुलिस ने उनको सांत्वना दी, समझाया, जब जाके थोड़ी देर में वो सामान्य हुए। जी ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बात तो हो गई, अभी तक जो विजयी प्रत्याशी रहे उनके बारे में फिलहाल मतगणना की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस फिलहाल मतगणना का, कहां तक पहुंची है मतगणना और कहां पर बढ़त बनाती हुई कौन कौन नजर आ रहे हैं यहां पर? जी जयती, लगभग 15 वार्डों का परिणाम घोषित हो चुका है। वार्ड नंबर 11 से प्रदीप जोन जो कांग्रेस के वो विजय हुए हैं, वार्ड नंबर 12 से सुनीता सैनी वो कांग्रेस के वो विजय हुई है, वार्ड नंबर 13 से श्रीराम सोनी जो भाजपा के वो विजय हुए हैं, वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय, वार्ड नंबर 14 से परवीन जो कांग्रेस की विजय हुई है, वार्ड नंबर 15 से शहनवाज और सनी जिनका भावुकता का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार वो विजय हुए हैं। इस तरह से 15 वार्डों के रिजल्ट आ चुके हैं और कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, जबकि शुरू में लग रहा था कि जब पहला रिजल्ट आया था वार्ड नंबर 1 से पूर्व चेयरमैन राजकुमार जायसवाल की धर्मपत्नी राधा जी विजय हुई थी, तब लग रहा था कि भाजपा कहीं आगे आएगी, लेकिन अभी तक 15 वार्डों के जो परिणाम है उनको देख के लगता है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त आगे भी कायम रहेगी। चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो दौसा से इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ जीत घोषित होने के बाद फूट फूट कर जो प्रत्याशी थे शहनवाज वो रो पड़े और कहीं ना कहीं जो मेहनत उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान की उसका जो फल है वो उन्हें मिला और अपने जो इमोशंस है उन्हें कहीं कंट्रोल में नहीं कर पाए और जीत की खुशी पर फूट फूट कर रो पड़े। तो दौसा से अपडेट दे रहे हैं, दौसा के वार्ड नंबर 4 की अगर बात करें तो डिटेल में निर्दलीय जो है मंजू मीणा यहां से विजयी रही है और दौसा के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के किशन लाल महावर ने अपनी जीत दर्ज की है। साथ ही बता दें कि 15 वार्डों के जो नतीजे हैं परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़त बनाई है यहाँ पर। साथ ही बता दें कि दौसा के वार्ड नंबर 1 से भाजपा की राधा विजयी रही थी, उसके बाद में दौसा के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के अक्षय पांचाल ने अपनी जीत यहां पर दर्ज की। दौसा के वार्ड नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो निर्दलीय कविता गुर्जर विजयी यहां से रही और फिलहाल दौसा के ही एक प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी दौसा के वार्ड नंबर 15 से उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि जीत घोषित होने के बाद में फूट फूट कर रो पड़े और कुछ भावुक हो गए।